बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी चिकन बॉल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है और बनाने में भी बहुत क्विक है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन ले ली है, जिसे मैंने बॉयल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे इस तरह से श्रेड कर लिया है, इस तरह से आपने भी कर लेना है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिसे बॉईल करके मैश कर लिया। ये सारे हम ऐड कर देंगे। आलू हम बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक काट कर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और लास्ट इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें, इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके हम बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाएंगे तो हाथों को मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। अब मिक्सचर लेंगे थोड़ा सा और इसके हम मीडियम साइज की बॉल बना लेंगे। जितना साइज हम कोफ्ते का रखते हैं ऐसे हम बॉल का रखेंगे। तो ये देखें, आसानी के साथ आपकी बॉल तैयार हो जाएगी। अब इसे हम साइड पर रखेंगे और इसी तरह से सारी बॉल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉल्स तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इसे हम फेंट लेंगे। और साथ ही यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ये होममेड ब्रेड क्रम्स है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। ऊपर आई बटन पे इसका लिंक डाल दूंगी, आप इसे वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो अंडों को मैंने फेंट लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक बॉल, सहन से बॉल को डाल देंगे। पहले बॉल को अंडे से कोट करेंगे, उसके बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स से हम दूसरे हाथ से कोट करेंगे ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। तो देखें, इसकी मैंने कोटिंग कर ली है। अब इसे हम साइड पे रखेंगे और इसी तरह से सारी बॉल्स की कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी बॉल्स की कोटिंग कर ली है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, 1 से 2 हफ्ते के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम एक एक करके बॉल डालेंगे। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमारे आलू भी बॉइल्ड हैं और चिकन भी हमारे बॉइल्ड है, सब कुछ कुक हुआ हुआ है, तो इसलिए हमें इसमें फ्राई करने में टाइम नहीं लगेगा। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट बाद इसे हम हल्का सा हिला लेंगे ताकि हर तरफ से एवनली कलर आ जाए। तो देखें, इस पर कलर आ चुका है। ये देखें, हमारे क्रिस्पी बॉल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे, देखें कितने क्रिस्पी बने। अब बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। तो सारे क्रिस्पी बॉल्स हमने फ्राई कर लिए हैं। तो देखा आपने इसे बनाना कितना इजी था, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। आप इसे केचप मेयोनीज जिसके साथ सर्व करना चाहते हैं आप इसके साथ सर्व करें। तो अगर आपको मेरी क्रिस्पी चिकन बॉल की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और इसे शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए इजी एंड क्विक रेसिपी लेकर आती रहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।